जिस क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज का फर्स्ट सीजन आया 2021 में, फिर सेकंड सीजन आया 2022 में, तो अब आज 3rd ऑफ नवंबर को थर्ड सीजन भी कर दिया गया है प्रीमियर, लेकिन उसके सिर्फ फर्स्ट 4 एपिसोड्स ही। बात हो रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियर होने वाले शो आर्या की, जहां सुष्मिता सेन है मेन लीड कैरेक्टर और उन्हीं के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं चंद्रचूड़ सिंह, वीरती वघानी, आरुषि बजाज, जयंत कृपलानी, फ्लोरा सैनी जैसे कई एक्टर्स। अब बात करते हैं कि क्या कुछ देखने को मिल रहा है थर्ड सीजन में। तो थर्ड सीजन में कुछ नया या खास तो नहीं है, सिर्फ सेकंड सीजन से स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लास्ट सीजन में आर्य और माया से सूर्य की वाइफ नंदिनी का मर्डर हो गया था, तो अब सूर्य का इंद्रनील सेन गुप्ता पड़ा है इन दोनों के पीछे अपना रिवेंज लेने के लिए। सीजन 3rd का फर्स्ट एपिसोड धीरे धीरे कर इंटरेस्ट लेकर आता है और उसी की तरह सेकंड एपिसोड भी, लेकिन 3rd एपिसोड है कंपैरेटिवली थोड़ा सा फास्ट। 4th एपिसोड आपका इंटरेस्ट जैसे ही इंक्रीज करने लगता है वैसे ही वो एंड की ओर आ जाता है, यानी अब आगे का सस्पेंस तो पता चलेगा तब ही जब डिज्नी प्लस हॉटस्टार लेकर आएगा नेक्स्ट एपिसोड्स को। फिलहाल के लिए हर एपिसोड का ड्यूरेशन है 40 to 45 minutes। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सुष्मिता की एक्टिंग काफी अच्छी है और उन्हें स्क्रीन पर देखने में आता है मजा भी, लेकिन जिस तरह मेकर्स ड्रैग करते जा रहे हैं सीजन्स को और सिचुएशंस को, तो धीरे धीरे कर अब आर्या में वो बात आती नहीं है नजर, एज गैप इतना लॉन्ग हो जाता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट ही हो जाता है खत्म। आपको सीजन 3 देखकर ऐसा भी लग सकता है कि आप स्टक हो चुके हैं एक ही लूप में, एज कुछ न्यू देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ। बट हो सकता है कि मेकर्स ने एंड के एपिसोड्स में रखा हो ऑडियंस के लिए कोई सरप्राइज। खैर अब इसका तो करना होगा हमें वेट ही। सो टिल देन फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज कीप वॉचिंग बूगल बॉलीवुड।